Good evening, Ashneer. Our audience here tonight is all students. So I wanted to keep the conversation a little bit towards what we can contribute to them. And with that in mind, I would ask you my first question, which is that between BharatPay and Grofers, there was a PC Jewelers, which was essentially a entrepreneur, employee, entrepreneur. So if you could take us through that journey. आवाज आ रही है? ठीक है यार, ये तो अंग्रेजी में पूछते रहेंगे, मेरे को तो हिंदी में बोलना है. तो इनका सवाल जितना मेरे को समझ आया है वो ये है कि पहले ग्रोफर्स करा, फिर ज्वेलर के यहाँ पे क्या करने चले गए. यार मैं ना बिजनेस फैमिली से नहीं आता, मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ. तो मैं कभी गल्ले पे बैठा ही नहीं, मतलब दुकान का जो गल्ला होता है या बिजनेस का जो गल्ला होता है, मैं वहाँ पे बैठा ही नहीं. एंड जब आप बिजनेस बनाने लगते हो ना, आपको एक वो अंदर से फीलिंग आ जाती है कि एक चीज़ मिसिंग है. ठीक है कि ठीक है, आपने IIT कर लिया, IIM कर लिया, आपने 9 साल बैंक में भी काम कर लिया, राइट? बट अपना बिजनेस चलाना इज ऑल अबाउट हैंडलिंग अनसर्टेनिटी. तो जब मैं ग्रोफर से बाहर आया, मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे को नेक्स्ट करना क्या है, वेरी फ्रैंकली. तब जब आइडिया नहीं है तो यार या तो घर बैठे रहो, बट घर बैठ के आइडिया आना और भी कम चांस है, बिकॉज जब तक तुम आउट इन द मार्केट नहीं हो, तुमको प्रॉब्लम ही नहीं पता लगेगी, तुम सॉल्व क्या करोगे. एंड मैंने PC ज्वेलर का IPO किया था. व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एट कोटक, आई हैड डन द IPO ऑफ PC ज्वेलर. सो आई न्यू बलराम, हु इज द फाउंडर, एंड आई जॉइंड हिम टू मेक अ गोल्ड लोन बिजनेस, विच वॉज अ डिजिटल गोल्ड लोन बिजनेस. एंड द प्रेमाइस वॉज वेरी सिंपल कि उनके पास 30 सिटीज में शोरूम्स थे, उनको गोल्ड हैंडल करना आता था, गोल्ड को ऐसे करना आता था, बट वो गोल्ड सिर्फ बेच रहे थे. सो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके क्या हम गोल्ड लेके लोन दे सकते हैं, वॉज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू बिल्ड देयर. एंड इंसिडेंटली दैट वॉज वेरी क्रूशल फॉर मी, बिकॉज वहीं पे मैं जब सॉल्व करने बैठा, देन आई रियलाइज कि यार एक शोरूम पे 4-5 QR लगे हुए हैं, 4-5 अलग सिस्टम चल रहे हैं, 4-5 अलग रिकंसिलेशन करनी पड़ रही है. एंड ऑर्गेनाइज डिटेल में इतनी प्रॉब्लम है, तो अनऑर्गेनाइज डिटेल में तो इससे भी नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम होएगी. सो फॉर मी दैट पीरियड व्हेन आई वाज गोइंग टू करोल बाग इन दिल्ली, विच इज आई डोंट नो लाइक न्यू मार्केट हेयर इन कैलकटा, फॉर यू नो एकदम कंजस्टेड, आपको सुबह पार्किंग के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, राइट? रात को उस मार्केट से निकलने के लिए एक और लड़ाई, जंग लड़नी पड़ेगी. तो आई थिंक दैट वॉज वेरी क्रूशल इन इंश्योरिंग कि जब मैं भारत पे बना रहा था तो आई वॉज सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम्स. लवली. सो आपने मेरे, अब मैं हिंदी में ही बोलूंगा सर. आपने मेरे एक सवाल का जवाब दिया. मेरा दूसरा सवाल ये था सर, एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय? जैसे आपने कहा कि आप एम्प्लॉय बैकग्राउंड से हैं और आप लोगों ने गल्ला कभी संभाला नहीं था, तो ये डिसीजन क्यों लिया? और चूंकि मैं खुद एम्प्लॉय हूं, तो मुझे लगता है कि ये कभी कभी वो सेफ्टी नेट के बाहर होता है, कभी कभी ये कंफर्ट जोन के बाहर होता है. तो ये कंफर्ट जोन के बाहर निकलने का कभी पहले सोच रहे थे कि ये सिचुएशनल था? नौकरी ना एक ड्रग की तरह है. वो फर्स्ट तारीख को आपको एक SMS आ जाता है कि इतनी सैलरी आ गई, एंड दैट गिव्स यू हाई एवरी मंथ. पीरियोडिक हाई है कि फर्स्ट ऑफ द मंथ मेरी सैलरी आ जाएगी अकाउंट में और मैं खुश हो जाऊंगा. वो सेकंड से बंदा थोड़ा नाराज होना शुरू होता है, 3 तारीख तक और नाराज होता है, 30th तक पूरा नाराज हो चुका होता है अपनी सिचुएशन से, बट फिर से वो फर्स्ट को सैलरी आ जाती है. तो फिर से उसको ग्लूकोज चढ़ जाता है. तो मेरे को क्लियर था यार कि नो वन, एटलीस्ट मैं नहीं जानता बहुत लोगों को हु हैव रियली मेड इट बिग बाय जस्ट बीइंग एम्प्लॉयज, एटलीस्ट इन इंडिया. ठीक है आप इंदिरा नूई की बात करोगे, यू विल टॉक अबाउट ऑल दीज बिग CEOs. दैट इज बिकॉज इन द US मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रोफेशनली रन. बट इंडियन सिनेरियो में वेयर मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर फैमिली रन और फैमिली ओरिएंटेड, वहां पे कोई सिर्फ नौकरी करके बड़ा आदमी नहीं बना. ठीक है, तो आपको कभी ना कभी तो अगर डिसप्रोपोर्शनेट आउटकम चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा. एंड रिस्क लेना मतलब यू विल हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो एंड वो हर
MBA स्कूल में सिखाते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होगा, बट हम क्या करते हैं, हम ना रिवॉर्ड को कैप कर देते हैं और रिस्क को मिनिमाइज करने में लगे रहते हैं, राइट, एज जॉब सीकर्स, विच इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट. बट द गुड थिंग इज वंस यू गो एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन बिजनेस या वंस यू डू योर ओन स्टार्टअप, उसके बाद इट्स वेरी हार्ड टू गो एंड डू अ जॉब. मतलब मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ कि अगर मेरे को रोटी कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ी ना, हो सकता है मैं उससे पहले मरी जाऊंगा. ठीक है, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा सर अब. सो 2017 से लेके 2021 मेरे हिसाब से गोल्डन पीरियड था फॉर स्टार्टअप्स. फंडिंग रेज करनी बहुत इजी थी, कैपिटल रेज करना बहुत इजी था. अब 2022 और नाउ 23 इवन मोर इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होते जा रहा है. तो एक तो सर ये कि ये स्टार्टअप का बबल था जो बस्ट हो गया, या लग रहा है कि अब कुछ रैशनलाइजेशन आ रहा है? नो, इट वाज अ बबल, राइट. मैं लोगों को बताता रहता हूँ, मैंने $625 मिलियन रेज करे, रफली 4,500 करोड़, और मैं हर 6 महीने पैसे ही रेज करता रहता था, ठीक है. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे लगने लगे कि तुम ही खुदा हो, बिकॉज तुम पैसा मांगने गए भी नहीं हो तो सामने वाला पैसे दे रहा है, ठीक है. मैं मेरा जो लास्ट राउंड था, आई वॉन्टेड टू रेज मनी फ्रॉम टाइगर ग्लोबल, विच इज़ वन ऑफ द बिगर इन्वेस्टर्स, जो फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता था. एंड टाइगर ने मेरे को 3 बारी मना कर दिया था कि हमारा पैसा फ़ोन पे लगा हुआ है, हम तेरे पे पैसा नहीं लगाएंगे. एंड फाइनली दे गॉट ऑन अ जूम कॉल विद मी, एंड मैं यूएस में ही था तब भी, वो भी यूएस में थे, बट कोविड के करके ना वो मिल नहीं रहे थे. एंड वो जूम कॉल में स्कॉट शाइफलर करके उनका एक पार्टनर है, वो आया, और मैंने सिर्फ हेलो बोला, ठीक है. मेरे को $250 मिलियन रेज करने थे, मैंने लिटरली हेलो बोला है. उसके बाद भाई साहब वो बंदा बोलना शुरू हुआ है, और अगले 25 मिनट वो ही बोलता रहा. अब आप मार्केट में कितनी डिस्क्रिपेंसी है ये समझो. मैं पिच करने गया हूँ, मैं जूम कॉल पे गया हूँ, मेरे को पैसे उठाने हैं, तो टेक्निकली मेरे को बोलना चाहिए ना कि सर मैं क्या बिजनेस बना रहा हूँ, कहाँ तक बना लिया, आगे क्या बनाऊंगा, राइट. रिवर्स पिच चल रही है. एंड ही वाज अपोलोजेटिक कि यार मैंने पहले पैसे नहीं डाले, मेरे से गलती हो गई. अच्छा. माफी भी मांग रहा है. एंड 25 मिनट के बाद बोल रहा है आई विल गिव यू $100 मिलियन, ठीक है, और अभी तक मैंने कुछ मांगा भी नहीं है, ठीक है. एंड ही इज सेइंग यू कैन चूज एनी वैल्यूएशन नंबर अप टू 3 बिलियन, सो दैट इज ऑल्सो ओपन टू मी. सो दैट टेल्स यू हाउ लिक्विड द मार्केट वॉज इन 2021. एंड वेन द मार्केट इज सो लिक्विड, कि मतलब आप समझो ना कि मतलब मेरे को उस राउंड में 370 मिलियन उठाने थे, मेरे पास $625 मिलियन की डिमांड थी. मतलब इन्वेस्टर की साइन टर्म शीट्स मेरे इनबॉक्स में पड़ी थी 625 मिलियन की. मैं लोगों को हाथ जोड़ता था, मेरे को पैसे नहीं चाहिए. तो मार्केट इतनी लिक्विड थी, इतनी बबली थी मार्केट उस टाइम पे. बट टू कम 2022 एंड नाउ इन 2023 मार्केट्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड. नया पैसा तो उठाना है भूल जाओ. किसी बंदे का ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है कंपनी में, ठीक है, किसी का 100 मिलियन एट स्टेक है, वो उस कंपनी में नया पैसा एडिशनल मनी नहीं डालने को तैयार. लोग समझ रहे हैं कि इट्स बैड मनी आफ्टर गुड मनी नाउ, ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इज एज अ फाउंडर, अब आप सबको पता है पैसा नहीं उठने वाला, तो हर कोई अब बोल रहा है यार ठीक है, मैं इन्वेस्टर के भरोसे बिजनेस नहीं चला सकता, अब मेरे को कस्टमर से पैसा बनाना है, ठीक है, और मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी से पैसा चलाना है, मेरे को इंटरनल अक्रूअल्स जनरेट करने हैं, अदरवाइज मैं कहां से, मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई टुडे यू विल सी अ लॉट ऑफ लेऑफ्स. किसी ने 10,000 ले ऑफ कर दिए, किसी ने 1,000 ले ऑफ कर दिए. कैंपस पे कम लोग आ रहे हैं, ठीक है. कैंपस की जो सैलरी लेवल्स हैं वो पिछले साल से मेरे हिसाब से 15-20% डाउन है, ठीक है. एब्सोल्युट नंबर ऑफ जॉब्स माइट बी इवन डाउन बाय अ बिगर नंबर. सो ऑफ कोर्स वी आर इन अ डिफरेंट फेज. तो जो पार्टी थी वो खत्म हो चुकी है, एंड देयर इज नो आफ्टर पार्टी इट सीम्स, राइट. सो अनफॉर्चुनेटली अब क्लास लगानी पड़ेगी. तो अश्नीर, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ
students should think twice before joining a startup? No, I don't have that view. See, मेरे को अभी भी ये लगता है कि अगर आप एक traditional job join करते हो, see traditional जो industries हैं, they have figured out their economics, ठीक है? तो उनको पता है कि इस बंदे को इतनी सैलरी देनी है, इससे इतना काम निकालना है. So your ability to learn is slightly lower. Startups में अभी भी क्या है, they're still figuring out their economics. And therefore, उनके वहाँ पे ना कोई defined roles नहीं है. अगर आप में हिम्मत है ज़्यादा काम करने की, आपको ज़्यादा काम दे दिया जाएगा. अगर आप बोलो कि मैं extra responsibility लेना चाहता हूँ, आपको extra responsibility भी दे दी जाएगी, ठीक है? तो मेरे को ये लगता है अभी भी, as a youngster, बिकॉज सी आप अपना करियर प्रोग्रेशन समझो ना, आपका हमेशा पैसा बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो जब पैसा बढ़ता रहता है, योर एबिलिटी टू टेक रिस्क एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम इज वेरी लो, बिकॉज मे बी आप उस टाइम 40 लाख 50 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है? बट वेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ एंड आपको पता है ठीक है यार 5 से 10 लाख की जॉब लगनी है, यू कैन ऑलवेज टेक द रिस्क, ठीक है? तो मेरे को लगता है अभी भी रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स इज स्टिल इन द फेवर. And from a learning perspective, you're going to be much better off joining a startup. Of course, there's going to be uncertainty. Right? There's going to be that risk. Ho sakta hai, 6 mahine baad aapke paas job na ho. And you look like a fool. But agar 6 mahine baad job hoegi, to then you'll be much smarter than another guy who has joined a traditional industry. Completely agree. I completely agree with that point of yours. And there's a thought that I also have that if you are a smart cookie and if you are working well and if you are willing to work hard, your growth might be a little faster with a startup than a old economy. Am I correct on that? Yeah, absolutely. Perfect. So, India till recently was a breeding ground for startups. We were dime a dozen, we were producing startups every year. Do you think that trend will continue? I think valuation alag game hai. एक्चुअल बिजनेस अलग गेम है, ठीक है? मेरे को लगता है इंडिया में जस्ट बाय द शेयर नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, द वॉल्यूम इन एनी बिजनेस यू पिक अप इज ह्यूज. एंड इफ यू वांट टू हैंडल दोज काइंड ऑफ वॉल्यूम्स, आपको टेक लगेगा ही लगेगा, ठीक है? आप आज के दिन में कोई भी रजिस्टर में लाइन खींच के पेन पेपर से लिख के कोई बिजनेस नहीं चला सकते. Absolutely no business, ठीक है? And the more you are aspirational, the more bigger business you want to create, you'll have to use technology. So there is no doubt in my mind that there are going to be a lot more startups solving a lot more interesting problem in India. Of course, valuations will go through ups and downs. There will be a few upsets in terms of companies shutting shop. वो सब होगा. But that's just the market maturing in some way. बट यू नो जस्ट टू से कि अब कोई और स्टार्टअप नहीं आएगी या स्टार्टअप का वेव खत्म हो गया, अब कोई और नया वेव शुरू होने वाला, आई डोंट थिंक सो. वहाँ से अभी हम बहुत दूर हैं. ग्रेट, आई थिंक दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. लेकिन जैसा लॉन्ग रोप अपने स्विगी, जोमैटो, बायजूस फॉर दैट मैटर, स्टार्टअप्स हू आर रेड एंड सीरियस रेड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, the kind of liberties they have been given, that would cease to exist? Haan, of course, yaar. Matlab, abhi, see, jab paisa jyada hota hai, to aapke paas ability hoti hai ki aap faltu ke kaam bhi kar lo. Theek hai? To 10 minute mein grocery delivery kar rahe hain log. Theek hai? Kabhi paise nahi banne wale. Main 90 minute mein try kar chuka hoon, 90 minute mein jaan nikal jati thi. 10 मिनट में तो मतलब यू आर लूजिंग मनी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन. सो देर आर सर्टन बिजनेसेस विच विल नॉट मेक सेंस, राइट? इवन टूडे डोंट मेक एनी सेंस. उसकी इकोनॉमिक्स ठीक होने ही नहीं वाली. बट आई थिंक वो करेक्शन अपने आप ही आ जाएगी. जब इतना लिमिटेड पैसा होता है ना, फिर बंदा कोर पे फोकस करता है. जब वेला पैसा होता है, बंदों को लगता है सब कुछ कर लूंगा जी, मैं ही भगवान हूँ, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा. तो आई थिंक वो अब भगवान को प्रसाद चढ़ाने वाला टाइम चला गया है. तो भगवान को प्रसाद भी राशन में मिल रहा है, तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कितने हाथ फैलाऊं. सही बात है अश्नीर, आपने कोर की बात की.
तो इंडिया के कोर में एंटरटेनमेंट में क्रिकेट है और आपका नेक्स्ट वेंचर क्रिकपे इज समवेयर इन दैट लाइंस. तो एक तो हम कुछ उसके बारे में जानना चाहेंगे, दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि ऑल दो आई ट्राइड, इसमें मुझे रेगुलेटरी अथॉरिटी का कुछ ज़्यादा क्लैरिटी मिला नहीं. तो इज दैट द ग्रे एरिया इन इंडिया? यस सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड द ऐप बट डू ट्राई इट. पहले दिन हमारी फट गई थी क्योंकि ज़्यादा लोग आ गए थे और मैंने कंपनी 10 लोगों से बनाई है, ठीक है. Okay. तो मैं आई एम ट्राइंग टू डू वेरी डिफरेंट थिंग्स दिस टाइम बट नाउ इट्स लॉट मोर स्टेबल. सो डू ट्राई द ऐप व्हेन यू गेट द चांस टू ट्राई इट. बट इसमें मैं कर बहुत टेढ़ी चीज रहा हूँ, ठीक है. मेरे को ये लगता है, सी गेम ऑफ फैंटेसी हम है या फैंटेसी गेम बोल लो या गेम ऑफ स्किल बोल लो, नॉर्मल पार्लेंस में हम उसको सट्टा बोलते हैं, ठीक है. तो बट इट्स अ बिग मार्केट. अब आप ये समझो इंडिया में 40,000 करोड़ रुपए की गेम ऑफ फैंटेसी या गेम ऑफ स्किल चल रही है एंड मेजॉरिटी ऑफ इट इज लाइक 95% ऑफ इट इज क्रिकेट, ठीक है. 100 दिन इंडिया मैच खेलती है या आईपीएल के मैच होते हैं साल में, 365 दिन में से रफली 100 दिन. तो दिन का 400 करोड़ रुपए का गेम हो रहा है, ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट द एड रेवेन्यू विच बीसीसीआई मेक्स इज 52 करोड़ पर मैच डे, ठीक है. राइट. तो इवन टुडे एड से मल्टीपल टाइम ज्यादा पैसा फैंटेसी में है एंड इट्स अ वेरी रीसेंट फिनोमेना. इट्स नॉट लाइक यू नो इट इज नॉट बीन इट्स टेक्निकली इट्स बीन अराउंड फॉर 10 years बट मोबाइल फोन्स हैव बीन अराउंड देयर फॉर 4-5 years, राइट. तो लास्ट 2-3 साल में ये बढ़ा हुआ है. अब 400 करोड़ रुपए का फैंटेसी गेमिंग हो रहा है, 50 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है. वेयर डू यू वांट टू प्ले, राइट. फॉर मी इट वाज सिंपल मैच कि ठीक है 400 करोड़ वाले में देखते हैं. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि इसमें अलग क्या करना है, ठीक है, या वैल्यू क्या ऐड कर रहे हो. मेरे को ना अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि अरे ये तो सट्टा है, इसमें क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो आप, राइट. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इससे कि जब 400 करोड़ रुपए की फैंटेसी गेमिंग हो रही है, 20% ऑफ द पॉट इज बीइंग केप्ट बाय द कंपनी विच इज डूइंग द फैंटेसी, 80% ऑफ द पॉट इज बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विनर्स. द क्रिकेटर हु इज प्लेइंग इज गेटिंग 0, राइट, एब्सोल्यूट ज़िल्च, ठीक है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. मेहनत कोहली कर रहा है, उसकी मेहनत पे करोड़ों रुपए कोई और कमा रहा है, मजे कोई और ले रहा है, राइट राइट. बट जब मैच खत्म होगा गाली तब भी कोहली को ही पड़ेगी, ठीक है, कि भाई ये तो फुद्दू है, 8 रन पे आउट हो गया, ठीक है, इसके साथ इसको बस अनुष्का शर्मा के साथ टेंपल रन करा लो, ठीक सही है, यही गाली पड़नी है ना, यही पड़नी है. सो मेरे को ना उससे पेन होता है कि यार आप एक चीज समझो, एक क्रिकेटर जो है टू बिकम अ आईपीएल क्रिकेटर इन द कंट्री is 1,000 times tougher than cracking JEE and going to IIT. Agree. In percentage terms, 100%. क्योंकि कुल मिला के 10 team है, आपके पास 10 या 12 इंडियन प्लेयर होंगे, तो 120 प्लेयर का ही पॉट है घूम के, ठीक है. किसी IIT के अंडरग्रेड कोर्स में भी 1500, राइट, या किसी भी इंजीनियरिंग के कोर्स में 1500 लोग होते हैं. So, now what is fundamentally happening? हो क्या रहा है, हमको आदत पड़ गई है जोमैटो स्विगी की. हमारा सिंपल उसूल है भाई, देख काम हो जाएगा तो हम पैसे देंगे, काम नहीं होगा हम पैसे नहीं देंगे. तो आप खाना ऑर्डर करते हो, गर्म खाना आ गया, आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया, आपने पैसे दिए, खाना ठंडा हो गया, आपने उसको बोल दिया भाग जा मैं नहीं दे रहा पैसे, ठीक है. अब वही सेम एक्सपेक्टेशन मैं क्रिकेट में लगाना चाहता हूँ. सेइंग क्रिकेटर ने रन्स बनाए या उसने अच्छी बॉलिंग करी, उसको फैंटेसी पॉइंट्स मिले, तो उसको पैसे मिल गए. अगर वो केएल राहुल है, उसको मिलने नहीं चाहिए पैसे, नहीं मिलना चाहिए भाई, ठीक बात है ना. मतलब अभी तो अभी केएल राहुल गाली खा रहा है, पैसे तो आ रहे हैं ना घर पे. दर्द कब होगा उसको जब गाली भी पड़ेगी और पैसे भी नहीं आएंगे,
राइट. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू सेइंग. सो मैं क्या कर रहा हूँ ऑन क्रिक पे, अगर 100 करोड़ का पॉट बनेगा 80 करोड़ तो विनर्स को ही मिलेगा. सो द विनर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग डजंट कम डाउन. 10 करोड़ आई विल कीप फॉर रनिंग द प्लेटफॉर्म एंड फॉर माई एक्सपेंसिस. 10 करोड़ विल गो टू द क्रिकेटर इन प्रपोर्शन ऑफ द फैंटेसी पॉइंट्स अर्नड, विच इज इन प्रपोर्शन ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द मैच, राइट. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोहली ने 20% फैंटेसी पॉइंट्स अर्न करे, सेंचुरी मारी या जो भी करा, एंड ही टेक्स अ 2 करोड़ रुपए पे आउट होम, एंड इवेंचुअली दिस विल स्टार्ट फ्रॉम IPL, बट इट विल परकुलेट डाउन टू द डिफरेंट लीग्स इन डिफरेंट सिटीज, सो दैट पीपल एंड बडिंग क्रिकेटर्स कैन लुक फॉरवर्ड टू अर्निंग इवन बिफोर दे रीच दैट एकलॉन, विच इज सेइंग कि इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं या IPL के लिए खेल रहे हैं, उससे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए. So in some sense, I'm trying to change the face of cricket in India. Super. I think it's a great thought. Honestly, it's a great thought. लेकिन ये क्रिकेटर जो पैसा लेगा, इसकी कोई, इसके अराउंड कोई रेगुलेशन है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं एक्सेप्ट कर सकता है? यार मेरे ना, मेरे अगेंस्ट कुछ ना करने पे भी केस चलते रहते हैं, ठीक है. तो इस वाले पंगे में तो मैं बहुत ही क्लियर था कि भाई वो अपना होमवर्क करके बैठो, बिकॉज यहाँ पे सभी मार आती हैं, ठीक है. मतलब क्रिकेट में इतना पैसा है कि बड़े से बड़े वकील खड़े हो जाएंगे, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन खड़े हो जाएंगे आपके अगेंस्ट अगर आपने ढंग से नहीं चला. तो सी, आप ना हर चीज को स्टडी करो. दो चीजें कि क्या आप मैच फिक्सिंग कर रहे हो, सीधी बात करो ना. आप रेगुलेटरी ग्रे एरिया क्या होता है, आप मेरे से सीधा पूछो कि भाई तू मैच फिक्सिंग कर रहा है क्या, ठीक है. सिंपल सी बात है इसमें, यू आर गेटिंग पेड एज पर एन एल्गोरिथम, दैट एल्गोरिथम इज पब्लिक, ठीक है. जितने का पॉट बनेगा, जितना परसेंटेज आपने परफॉर्मेंस करी, पॉट का उतना परसेंटेज आपको मिल रहा है, ठीक है. एंड आई पर्सनली एंड माई कंपनी डज नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट विद द प्लेयर. मेरा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, किसी से बात ही नहीं करनी. उसूल ही है कि किसी से बात ही नहीं करनी. सो व्हाट आई एम गिविंग टू द क्रिकेटर इज लाइक अ मैन ऑफ द मैच अवार्ड, राइट, बट इट्स गिवन एट द एंड ऑफ द मैच, वंस द मैच इज ओवर, राइट. सो इट डज नॉट इन्फ्लुएंस एनी सिंगल बॉल और हाउ द प्लेयर इज परफॉर्मिंग ड्यूरिंग द मैच, एंड इट इज गिवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. सो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. इन इनकम टैक्स टर्म्स इट्स गिवन एज अ गिफ्ट, ठीक है, परफेक्ट. सो इट्स अ गिफ्ट विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम ऑफ द इवेंट. इट्स अ गिफ्ट विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग अ थैंक यू फ्रॉम द क्रिकेटर. मतलब मेरे को उससे एक्नॉलेजमेंट क्या, मतलब मैं उसको सेल्फी भी नहीं चाहिए भाई, तू रख, ठीक है, तू पैसे रख, मेरे को तू मेरा नाम भी मत ले, चुपचाप पैसे रख ले एज अ गिफ्ट, ठीक है. तो अब नाउ कम्स द BCCI रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो आई इवन स्टडीड दैट, आई इवन स्टडीड वो श्रीशांत का मैच फिक्सिंग का केस हुआ था, ठीक है, उसकी पूरी केस स्टडी है. नाउ BCCI हैज अ वेरी सिंपल रूल. BCCI सेज एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को कभी पैसे नहीं दे सकता. ओके, सो द वे दे सॉल्व मैच फिक्सिंग इज वन टीम शुड नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस एनी अदर प्लेयर इन अनदर टीम. एंड व्हेन आई से क्रिकेटर, इट ऑल्सो मीन्स की ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या का फिजियो ने, ठीक है, दूसरी टीम के कोच को कोई गिफ्ट दे दिया. इवन दैट इज नॉट अलाउड. सो बेसिकली क्रिकेटर एंड द सपोर्ट स्टाफ ऑफ क्रिकेटर्स कैन नॉट गिफ्ट एनीथिंग इवन 1 रुपी टू अनदर क्रिकेटर. अब आ जाते हैं यार, KL राहुल को तो बड़ी गाड़ियां मिली थी उसकी शादी पे. हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल. यही सवाल पूछोगे आप, KL राहुल को गाड़ी देने से पहले BCCI ने अप्रूवल दिया है एज एन एक्सेप्शन. अच्छा, ठीक है, कि भाई विराट ने अगर गाड़ी देनी है या किसी और प्लेयर ने उसकी शादी पे गाड़ी देनी है, उसको एक्सेप्शनल मतलब एक अप्रूवल मिला है BCCI से. वन टाइम अप्रूवल. एनीवन एल्स गिविंग अ गिफ्ट टू अ क्रिकेटर इज अलाउड, ठीक है. द ओनली रेगुलेशन देयर इज दैट इफ द गिफ्ट वैल्यू इज अबव 50,000 रुपीज द क्रिकेटर हैज टू डिस्क्लोज इट टू BCCI कि भाई बताना है मेरे को इस बंदे ने इतने पैसे दिए. अप्रूवल नहीं मांगनी, पोस्ट फैक्टो आपको बताना है.
So from a regulatory perspective, as far as I am concerned, it's absolutely kosher. I have taken legal opinion from very reputed lawyers who are willing to say ki kal ko case bhi hota hai to hum jaake khade hain, hum samjhayenge judge ko ki kya hai. Theek hai. Interestingly, is pe debate ho rahi hai, but abhi tak koi aisa banda aake khada nahi hua jisne bola nahi ji ye to blatantly wrong hai. Theek hai. Which also tells me ki I have done my homework enough. Correct. So I'll also appeal to the students, go check that app out. I think it's a good one. मैं थोड़ा होमवर्क कर रहा था आपके इंटरव्यू के लिए तो मैंने भी ट्राई किया. इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वन वर्ड विच यू हैव रिकॉइंड और रिक्रिएटेड विच इज दोगलापन. ये वर्ड आपके कारण. तो सर ये दोगलापन जो है ये एक तो आपने बुक लिखी है, दूसरा ये वर्ड काफी आप फ्रीली यूज कर लेते हो, तो जरा अपने बुक के बारे में बताएं सर क्या एक्सपेक्ट करें इसमें. नियर मैं फ्रीली नहीं यूज करता वर्ड. मैंने सिर्फ एक बार ही यूज किया था शार्क टैंक पे, फेमस हो गया सर. हाँ वो अलग बात है, वो उस टाइम वायरल हो गया फॉर वॉट एवर रीजन, बट मेरे को नहीं पता मैंने उसके बाद कभी ये शब्द यूज भी करा है. ठीक है. ऑफकोर्स मेरा दिमाग धंधे में ज्यादा चलता है, तो मैंने जब ये वायरल हुआ तो मैंने दोगलापन वर्ड को ट्रेडमार्क करा लिया. ठीक है. अच्छा. सो वो आशीष चंचलानी का वो देखा होगा ना किसी ने, वो शार्क टैंक का जो स्पूफ था. हाँ जी हाँ जी. उसमें कोई बोलता है कि हर बार तू फूक मारेगा तो तेरे को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, राइट. तो मैं भी कुछ टेक्नोलॉजी बनाना चाहता हूँ कि हर बार ही कोई दोगलापन वर्ड बोले तो उसके मतलब पेमेंट ऐप से पैसे कट के मेरी जेब में आ जाएं. बट द वे आई मोनेटाइज द, एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे करने वाला हूँ, बट आई थॉट कि ठीक है ट्रेडमार्क ले लो. मतलब बाय द वे मैंने अपने नाम पे भी ट्रेडमार्क ले रखा है. ठीक है. अच्छा. तो देन आई, जब मेरे को बुक लिखनी थी तो देन आई वॉज थिंकिंग यार बुक का क्या नाम रखें. तो एक तो यह था कि सिर्फ अश्नीर ग्रोवर रख दो. ठीक है. विच वुड हैव अगेन सोल्ड इनफ बिकॉज माई नेम इन दैट सेंस इज प्रीटी यूनिक. एट लीस्ट आई डोंट नो ऑफ अनदर अश्नीर सो फार, राइट. बट मेरे को ये लगा यार कि फिर लोग बोलेंगे अरे तूने अश्नीर खरीद लिया या अश्नीर पढ़ लिया, राइट. विच डिडंट साउंड राइट टू मी. सो आई कॉइंड इट अश्नीर ग्रोवर दोगलापन, राइट. राइट. सो नाउ व्हेन पीपल रेफर टू द बुक दे से तूने दोगलापन पढ़ी, राइट. राइट. Which in itself is a self marketing, because every time you say दोगलापन पढ़ी किसी को पता भी नहीं है अश्नीर ग्रोवर, वो बोलेगा दोगलापन पढ़ी क्या होता है, राइट. द फर्स्ट टाइम दोगलापन हैज बिकम लिटरेचर. सो इट्स जस्ट स्मार्ट मार्केटिंग इन दैट सेंस. लवली. एंड सर हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ द बुक एंड वॉट शुड वी एक्सपेक्ट वंस वी गो थ्रू द बुक. यार आई थिंक response to, I don't think any autobiography has sold more than Dogalapan ever, right? Super, congratulations sir. So it's clearly been one of the best sellers. Nahi expectation kya hai, bas ab ho gayi kitab likh di ab padh lo, matlab aur kya expect karaun main aapse. Lovely sir, aapke fame mein ek bahut bada haath Shark Tank ka hai, and from what I understand building the Shark Tank ka franchise out was you were quite instrumental in that. So I would want to know your role in building Shark Tank out and how was your experience there. Yeah, mera role in building Shark Tank out to season 2 mein clear ho gaya na logon ko. To ab usme maza bhi nahi aa raha, lekin ab usme main kyun apne muh Mia Mitthu banu. Theek hai. No, see, first season was good, I had fun. I people got to know me, right? So in some sense I have benefited from that, right? Now there is a divided house on that. Some people believe ki are was the fame good for you or was the fame not good for you. Theek hai. Mera personal belief ye hai ki all fame is good for you, right? Like what happens in life is irrespective, but if you know you got an opportunity, you played top of your game, right?
एंड यू नो लिटरली ओवरनाइट यू बिकेम अ पब्लिक फिगर. सो इन दैट सेंस आई एम वेरी थैंकफुल टू शार्क टैंक. सेकेंड सीजन में सोनी वालों का दिमाग फिर गया, ठीक है, उन्होंने मेरे को नहीं लिया. उसके बाद जनता का दिमाग फिर गया, उन्होंने टीआरपी गिरा दी. टीआरपी गिर गई सर. तो अब मेरे को लोग ये पूछते रहते हैं कि तीसरे सीजन में आप आओगे या नहीं आओगे, ठीक है, एंड मैं तो बहुत क्लियर हूं, मैं तो नहीं आऊंगा. नहीं सी, उसका एक रीजन है एंड ये सिंपल गेम थ्योरी है. पहला सीजन में इवन सोनी वालों को एक्नॉलेजमेंट थी कि यार अश्नीर की वजह से काफी चला है. मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ मेरी वजह से चला है, बिकॉज इट वॉज अबाउट पीपल कंपीटिंग विद ईच अदर, सो इट कांट बी अ सिंगल गाइस. बट माई कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मच मोर देन माई प्रपोर्शन, ठीक है. सेकेंड सीजन में आपने अपनी मर्जी से मेरे को लिया नहीं, ठीक है, अब वो चला नहीं. पर दो ही चीजें हो सकती थी, या तो चल जाता या नहीं चलता. अगर चल जाता, क्या आप मेरे को तीसरे सीजन में ले रहे थे? नहीं ले रहे थे. अब नहीं चला तो तुम मेरे को वापस लोगे तो अपने लिए लोगे ना, मेरे लिए तो नहीं ले रहे. यस, ठीक है. तो तुम्हारे लिए दोनों सिनेरियो में सक्सेस है, मेरे लिए तो दोनों सिनेरियो में फेलियर ही था ना. करेक्ट. सो आई एम वेरी क्लियर, आई एम डन विद शार्क टैंक. सुपर. और सर आपके इन्वेस्टमेंट्स इन शार्क टैंक, एनी नोटेबल वन दैट यू वुड वांट टू स्पीक ऑफ, एनीथिंग दैट यू थिंक वी शुड लुक आउट फॉर? आई थिंक ये तीन चार ही मैं ट्रैक करता हूँ जो अच्छे चल रहे हैं. देयर इज किपी, जो चुस्की वाला था. आई थिंक दैट बिजनेस इज डूइंग ग्रेट. आई थिंक दे आर डूइंग 3 crores अ मंथ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू. ओके. एंड व्हेन दे केम ऑन शार्क टैंक दे वर डूइंग 4 lakhs अ मंथ. ओके. सो इट्स लाइक व्हाटएवर 875 टाइम्स ग्रोथ फॉर देम. देन टैग्स इज डूइंग गुड, चिप्स, केरला बनाना चिप्स इज डूइंग गुड, हेयर ओरिजिनल्स करके एक था. Yes. They are doing good. I think these are the 4-5, you know, that I remember. And I'm very clear, yaar. See, all these startups and businesses take time to build. ठीक है, तो आपको एक immediate recognition मिल जाता है by coming on Shark Tank. But business बनेगा over 3-4 years. So I'm not a guy who keeps going back to them and asking them क्या हुआ बता. Right. So I'm very hands off. जो आके बता देता है अच्छा है. कोई मर भी गया तब भी अच्छा है. ठीक है, कोई बहुत अच्छा कमा के दे गया तब भी बढ़िया है. बट आई थिंक फॉर मी इन्वेस्टिंग हैज ऑलवेज बीन अ स्लाइटली लॉन्गर होराइजन गेम, 5 to 7 years, एंड देयरफॉर आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट इन 1 year ऑन एनीवन. एंड एज अ शार्क, आर यू अ हैंड्स ऑन शार्क? आई मीन यू ऑलरेडी सेड दैट कि आप बहुत ज्यादा पूछते नहीं हो, सो आप वेट करते हो कि वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आपसे बात करे या फिर अपना आइडिया शेयर करते हैं? नहीं नहीं यार, मैं तो खुद अपना धंधे बनाने पे लगा हूँ, तो मेरे पास वैसे ही टाइम कम है. बट आई एम, सी आई प्ले अ वेरी डिफरेंट रोल. आई कीप टेलिंग पीपल डोंट कम टू मी फॉर रेगुलर प्रॉब्लम्स विच एनीवन एल्स कैन आल्सो सॉल्व. ठीक है, कम टू मी फॉर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स वेयर तुम किसी और के सामने जाके खुल के बात नहीं कर सकते. तो मेरे पास लोग किस लिए आते हैं कि यार कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम हो गई, पुलिस वाले आ गए, ठीक है, GST वाले आ गए. मेरे को है कि यार ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो सी एज अ बिजनेस आप कुछ भी चलाओगे, देयर इज द गुड पार्ट ऑफ इट, देयर इज द बैड पार्ट ऑफ इट. ठीक है, राइट. गुड पार्ट ऑफ इट में तो सबको इन्वॉल्व होना है, बैड पार्ट ऑफ इट में सबको हाथ झाड़ने हैं. सो एक फाउंडर की लोनलीनेस आती है बैड पार्ट को हैंडल करने में. सो आई एम वेरी हैप्पी एडिंग वैल्यू देयर विच विल नेवर बी पब्लिक, राइट. माई कॉन्ट्रीब्यूशन देयर विल नेवर बी पब्लिक. But my relationship with my founders, therefore, will be always much more deeper than anyone else would have. Super, super. So, with that, sir, I think I will open the floor for the students to ask questions because I would want them to take the opportunity. So, anyone who wants to ask a question should at this stage go ahead. Could we have a mic at that section, please? Sir, good evening, sir. सर एक क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली आपने क्रिक पे इंट्रोड्यूस किया हम लोगों के सामने, और अभी आपके लाइफ में एक सडन ट्रेजेडी या फिर आप कह लो कि एक डाउनफॉल आया, तो आप इसको कैसे कम ओवर करते हो? लाइक आपके फादर का डिमाइस,
हाँ यार वो ठीक है, मतलब सी माय फादर वाज वेरी क्लियर कि काम करते रहो पूरा टाइम, ठीक है. तो फॉर मी इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर मैं एक सैड स्टेज में चला गया कि मेरे फादर की डेथ हो गई और मैं एक शेल में चला गया, दैट वुड मेक हिम अनहैप्पी, राइट. तो मेरा तो नॉर्मल है कि भाई ठीक है, फादर की डेथ हुई, चौथा किया, एक हफ्ते का मोर्निंग किया, एंड देन आई एम आउट एंड अबाउट टाउन, राइट. सो इन दैट सेंस इट विल टेक टाइम टू हील, बट द ओनली वे टू कम ओवर इट इज टू डू गुड वर्क, ठीक है. तो दैट्स माय एटीट्यूड टू दैट. ओके सर, थैंक यू सो मच. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू, या प्लीज गो अहेड. हेलो सर, माय नेम इज शाफीन. सवाल ये है कि अगर आप उन इनिशियल डेज में जा सको व्हेन भारत पे वाज बिल्डिंग, व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ? यार ये ना बड़े ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. एक तो किसी ने टाइम मशीन बनाई नहीं है, ठीक है, कि मैं वापस जाके खुद को एडवाइस दे दूं. उस वक्त कुछ आप सुधार सके? नहीं यार, कुछ नहीं, कुछ सुधारने को नहीं होता. मेरा फंडा लाइफ में बहुत क्लियर है. मैं ना इतना इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं हूँ, ठीक है. मैं बहुत ही प्रैक्टिकल धंधे वाला बंदा हूँ, एंड मेरा सिंपल उसूल ये है कि ठीक है, कुछ लग रहा है ढंग का करना है या कुछ डिफरेंट करना है तो आगे वाले काम पे करो. पीछे वाले पे सोच के कि मैं उस टाइम ये कर लेता तो वो हो जाता, उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ. सो जो भी मेरी लर्निंग है, एक तरीके से मैंने अपनी किताब में वही लिखी है या समराइज करी है. एंड दूसरा, मैं तो फॉरवर्ड लुकिंग बंदा हूँ यार, मैं तो सोचता ही नहीं. लाइक भारत पे इज हिस्ट्री फॉर मी. It's also history in absolute terms. Thank you so much. Hello sir, this is Aitan Azil sir. छोटे मोटे सवाल आप handle नहीं कर सकते, मतलब बताते नहीं हो. तो सर एक question मेरा deep down है सर, कि अगर आप एक piece of advice उनको दे जो कि इस time 2023 में जो कि belong करते छोटे मोटे middle class family से, अगर एक time पे boost मिलता भी है तो वो लोग सर अपना risk factor जो हम लोग के लिए basically यही कि हम लोग settle नहीं हो पाएंगे या job नहीं ले पाएंगे या तो entrepreneurship journey को follow कर सके, तो वो गट्स फीलिंग लेकर के हम लोग रिस्क ले या नहीं ले, हम लोग को समझ में नहीं आता है यार. थी अच्छा सवाल है. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना आपको रिस्क एवर्स बनाता है, ठीक. उसका रीज़न क्या है कि हर माँ बाप को अपने बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, और अच्छे कॉलेज में भेजना है, एंड एजुकेशन की कॉस्ट इंडिया में ऊपर जा रही है. अब वो वाला हिसाब नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब MBA किया था IIM से, मेरी 2 साल की फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल 2 लाख रुपए थी, ठीक है, और वो भी मैं फ्रांस 1 साल रह के आया था, मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैंने अपनी फीस खुद दे दी थी, ठीक है. आज की डेट में कोई MBA करने भी जा रहा है ना, मिनिमम से मिनिमम उसके 25 लाख रुपए लगेंगे, इरिस्पेक्टिव आप IIM जा रहे हो या आप प्राइवेट जा रहे हो, ठीक है. आप कोई इंजीनियरिंग करने में जा रहे हो, आपके साल के 4 से 5 लाख रुपए तो लग रहे हैं सब कुछ मिला मिलू के, ठीक है. सो इंडियन पेरेंट इतना फोकस्ड हो चुका है एजुकेशन पे और वो एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इन्वेस्टेड इन एजुकेशन एंड वॉन्ट टू गेट द आउटकम इमिजिएटली. सो द आउटकम इज वॉट? आउटकम इज सेइंग बॉस तेरी पहले दिन जॉब लगी या नहीं लगी और कितने की जॉब लगी, ठीक है. तो बहुत ही मुश्किल हो गया है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से इंडिया में कि एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए, एंड वो सैड पार्ट है. एंड मेरे को तो यही लगता है कि रिस्क एजुकेशन का पॉइंट ही क्या है अगर तुम रिस्क नहीं ले रहे, ठीक है. मतलब तुमने इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ सीखा, रिस्क लेकर लेना ही नहीं सीखा तो फिर क्या पॉइंट हुआ एजुकेशन का? दूसरी बात, फंडामेंटल कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में यार. ठीक है, तुमने कॉलेज से नौकरी नहीं ली, तुम कुछ करने निकल गए अपना, ठीक है, दो ही आउटकम है, चलेगा या नहीं चलेगा. वर्स्ट आउटकम लेके चलो, नहीं चलेगा, ठीक है. अगर नहीं भी चलेगा तब भी तुम सीख लोगे इतना और इतने स्मार्टर हो जाओगे. जो तुम्हारी बेसिक एजुकेशन है वो तो तुम्हारे से कोई छीन नहीं रहा. रिस्क एवर्स बन के कुछ नहीं होने वाला, फट्टू बन के कुछ नहीं होने वाला लाइफ में. थैंक यू सो मच. हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर. माई सेल्फ कामरान असरफ फ्रॉम 4th ईयर केमिकल इंजीनियरिंग.
सर मेरा क्वेश्चन था कि सर आप कॉलेज में कौन कौन सा ऐसा चीज था जो आप किए और आपको बहुत खुशी हुआ कि ये हम किए, और कौन कौन सा मिस हुआ है सर आपसे कि आप ये करना चाहते हैं फिर से? और एक क्वेश्चन है सर कि आप कोई ऐसा पीस ऑफ एडवाइस जो फोर्थ ईयर स्टूडेंट को देना चाहते हैं, जो हम लोग का लास्ट ईयर है सर, और कोई ऐसा एडवाइस जो फर्स्ट ईयर को देना चाहते हैं सर? एक मिस क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में ना मैं थोड़ा ढीला पड़ गया था, बिकॉज जेई की पढ़ाई और वो जेई क्लियर करने में ना जान निकल जाती है। तो पहले साल जब पहले आप कॉलेज में आते हो ना, आपको लगता है अब हो गया भाई, मेरे को एडमिशन मिल गई, अब मैं सेट हूँ, ठीक है। तो आप ना एकेडमिक्स पे कम फोकस करते हो। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो था, मेरी एसजीपीए थी 7.3, ठीक है। सिर्फ उस सेमेस्टर की एसजीपीए की वजह से मैं फाइनली डिपार्टमेंटल रैंक 2 था इवेंचुअली, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फोड़ लेता तो मैं डिपार्टमेंटल रैंक 1 होता, और उसके बाद मैंने किसी भी सेमेस्टर में 9 या 9.5 से कम नहीं मारी। अब आ जाते हैं फोर्थ ईयर की बात। उससे पहले भी मेरे को जो लगता है मेरे लिए जो एक आई ओपनिंग चीज थी ना, वो था मैं जब एक्सचेंज प्रोग्राम पे गया आईआईटी से, तो मैं एक साल फ्रांस पढ़ने गया था, एंड मैंने वहां पे इंजीनियरिंग फ्रेंच में पढ़ी है, मतलब मैंने पहले फ्रेंच सीखी, फिर मेरा कोर्स जो लगता था फ्रेंच लैंग्वेज में होता था इंजीनियरिंग का, तो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखी, एक साल बाहर रहा, उसकी बहुत वैल्यू ऐड हुई, ठीक है। वैल्यू ऐड ये हुई कि मेरे को क्लियर हो गया मेरे को बाहर नहीं रहना इसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कभी काम नहीं किया इंडिया से बाहर, कभी कुछ नहीं किया, मतलब मेरे को सेट क्लियर था कि इंडिया ही है भाई बड़ी बढ़िया जगह। तो बट ठीक है, विच एवर वे इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, राइट। फोर्थ सेमेस्टर में दो काम किए मैंने, पहला लास्ट सेमेस्टर में मैंने, सॉरी फोर्थ ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में मैंने 10 मारी, राइट, जबकि जो कि बहुत मुश्किल थी, बिकॉज तब तक मेरे को ये भी पता लग गया था कि मेरा आई एम ए हो गया है, तो मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं था कुछ भी करने का, बट डिस्पाइट दैट मैंने 10 मारी थी। और दूसरी चीज, मैंने बंदी बटा ली थी, ठीक है। तो भाई ये इन दोनों में से एक भी कर लो तो अच्छी चीज है। गुड वन। हेलो सर, गुड इवनिंग, माई सेल्फ अमरिंदर कुमार फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट। My question is ki like what is the biggest fear of when you like started your startup, and having fear is good or bad, like what's your opinion on this? Yeah, fear to wahi hota hai na ki chalega ya nahi chalega, matlab aur kya fear hai, matlab fundamental level pe to yahi hai ki aap jo kaam karne nikle ho wo success hoga ya failure hoga, aur wo fear hamesha rehta hai, right? Even with, you know, now I'm doing my third startup, बट इवन अभी भी मेरा फेयर यही है कि यार क्रिक पे चलेगा नहीं चलेगा, राइट, दैट इज द फंडामेंटल फेयर। आई थिंक फियर से, फियर ना आपको पैरालाइज करता है, बट एक फॉर्म ऑफ फियर है पैरानोया, ठीक है, वो मेरे को अच्छा लगता है। मैं ना हमेशा पैरानोइड रहता हूँ कि कोई मेरे से बेटर प्रोडक्ट बना लेगा, कोई मेरे से बेटर एग्जीक्यूट कर लेगा, कोई मेरे से ज़्यादा मार्केट शेयर ले जाएगा, सो दैट कीप्स मी गोइंग। सो आई थिंक मैं अपने फियर को ना पैरानोया में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एंड दैट पैरानोया कीप्स मी गोइंग एंड कीप्स मी एग्जीक्यूटिंग अहेड ऑफ द मार्केट। सो दैट्स व्हाट माय टेक ऑन फियर इज। एंड सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक एचआईटी ने आपको कितना पे किया है फॉर लाइक ईयर? सर यू कैन स्किप दिस। नहीं नहीं आंसर, मैं कुछ स्किप नहीं करता भाई। तो कितना पे किया उसका सिंपल आंसर है, उम्मीद से कम औकात से ज्यादा। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि यू ऑलवेज सेड इन योर इंटरव्यूज दैट यू डू नॉट नीड टू बी फ्रॉम अ टॉप टियर कॉलेज टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट वी हैव सीन कॉन्ट्रेरी टू दैट, वी हैव सीन दैट स्टार्टअप्स रेजिंग फंड्स टुडे have at least one people in their team who is from IIT or IIM or from any other reputed institute. So what is your view on this topic, sir? Tune bola na at least one, dusra to kahan ka hai? Dusra to kahin aur ka ho sakta hai na. See, mera view isme simple hai ki don't judge startups by how much capital they are raising. Theek hai, agar tumhara criteria ye hai ki yaar kisne kitna paisa uthaya, तो वहां पे आई आई टी आई एम वाला लड़का बाजी मार के जाएगा,
बिकॉज वो इन्वेस्टर में कोई बेवकूफ बैठा है जो कि उसका दोस्त है IIT IIM से, जिसको कुछ नहीं पता कि धंधा कैसे चलता है, और वो अपने दोस्त पे ही पैसा लगा रहा है, ठीक है? सो दैट इज अ क्लब, इन्वेस्टिंग इज अ क्लब, बिल्डिंग अ बिजनेस इज नॉट अ क्लब। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बेटर है वही चलेगा, जिसमें लोगों को मजा आ रहा है वही चलेगा। लोगों को थोड़ा पता लगता है कि यार ये किसी बनिया लाले ने बनाया है या किसी स्टार्टअप वाले ने बंदे ने बनाया है, क्या फर्क पड़ रहा है? कस्टमर को तो अपनी वैल्यू प्रोडक्ट से निकालनी है, ठीक है? सो मेरा फंडामेंटल व्यू ये है कि आपको फंड रेजिंग में एडवांटेज हो सकती है, देयर इज नो डिनाइंग, बट फंडामेंटल बिजनेस में कोई एडवांटेज नहीं है बाय बीइंग फ्रॉम अ बिग और सो कॉल्ड IIT IIM। हेलो सर, माय नेम इज किशन भंडारी सर। सर, व्हाट डू यू थिंक, डू वी नीड मोर एंटरप्रेनर्स देन इंजीनियर्स और डू वी नीड मोर इंजीनियर्स देन एंटरप्रेनर्स फॉर इंडिया? नहीं, अगर इंजीनियर एंटरप्रेनर ज्यादा होंगे तो मतलब इंजीनियर एंटरप्रेनर को नौकरी देगा, एंटरप्रेनर इंजीनियर को नौकरी देगा? तो फंडामेंटली तो यार हमेशा इंजीनियर ही ज्यादा होंगे, ठीक है? बट हाँ, गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी एंटरप्रेनर्स का प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए, बिकॉज एग्जिस्टिंग बिजनेसेस तो इन सम सेंस सैचुरेटेड होते हैं, मतलब दे विल ग्रो एट वॉट एवर इन्फ्लेशन रेट और स्लाइटली हायर देन दैट, बट जो डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ आएगी जहाँ पे ज़्यादा लोग इम्प्लॉय हो सकते हैं, वो तो स्टार्टअप से या न्यू एंटरप्राइज से आनी पड़ेगी, उसके लिए एंटरप्रेन्योर ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। हेलो सर, सर मैं, मेरा नाम अमन किशोर है सर, मैं पटना से सिर्फ आपको देखने के लिए आया था। सर एक क्वेश्चन है कि सर अभी रिस्क की बात चली थी, तो सर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए रिस्क थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है, तो सर इस चिंता, मतलब ये सही है, इसे हटा दिया जाए या फिर सर कुछ बताइए। नहीं, रिस्क वो भाई थोड़ी देर पहले उसने सेम क्वेश्चन पूछा था यार, बस उसने थोड़ी अंग्रेजी में पूछा था, पर मैंने जवाब तो हिंदी में ही दिया था। गुड इवनिंग सर, सर एक क्वेश्चन था कि इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया को डेवलप होने के लिए ज़्यादा हेल्प इंजीनियर्स कर सकते हैं कि स्टार्टअप्स? यार ये भी पहले वाले का ही क्वेश्चन का तू अलग अलग सवाल पूछ रहे हो, ये पर्यायवाची वाले क्वेश्चन मत पूछो मेरे को, ओरिजिनल क्वेश्चन पूछो। अरे इस साइड भी माइक दे दो भाई, वहां पे क्या पैसे दिए उन्होंने माइक के? सर भारत पे में आपने सैलरी कितनी निकाली, और एक और क्वेश्चन है कि एक फाउंडर के लिए आइडियल सैलरी होनी कितनी चाहिए? गुड क्वेश्चन। सो भारत पे में मैंने जब शुरू किया था तो मेरी सैलरी थी शायद 18 लाख रुपए टू स्टार्ट विद, एंड जब मैं बाहर आया भारत पे से तब मेरी 2.25 करोड़ थी, ठीक है? बट इसमें ओ करने की कोई बात नहीं है। पिछले साल जब मैं कहीं से सैलरी नहीं ले रहा था, मैंने ज़्यादा पैसा कमाया अपनी ज़िंदगी में देन एनी अदर ईयर, ठीक है? तो आई थिंक एज अ फाउंडर इवेंचुअली आपको 0 सैलरी लेनी चाहिए, इवेंचुअली आपका मतलब कोई मंथली आना ही नहीं चाहिए, आपका बिजनेस ही इतना बड़ा होना चाहिए और आपने इतनी बड़ी गेम खेल ली होनी चाहिए कि आपके शेयर्स की वैल्यू हो, आपके शेयर्स को बेचने से आपके पैसे आए, बिजनेस से पैसे आपके 0 आने चाहिए। एंड बाय द वे, 3rd unicorn में आई एम वेरी क्लियर, इरिस्पेक्टिव ऑफ सक्सेस और फेलियर आई विल नॉट ड्रॉ अ सिंगल पेनी ऑफ सैलरी। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, सहर, सर इन एन इंटरव्यू यू टोल्ड दैट यू विल जॉइन इंडियन पॉलिटिक्स, सो व्हेन यू विल जॉइन एंड इफ जॉइन देन व्हाट चेंज यू विल ब्रिंग इन स्पेशली इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम? हाँ यार, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करनी है, मतलब और क्या, और ऑप्शन क्या है? मतलब रशिया जाके तो प्यूटिन मेरे को बिठाने नहीं वाला कि भाई आ जा तू ऑपोजिशन में। अब पॉलिटिक्स का एक ही उसूल है, जहाँ पैदा हुए हो वहीं पे तुमको गंद उछालना पड़ेगा, ठीक है? तो करेंगे यार, जब आएंगे तब करेंगे ना। मैं अभी बता दूँ मेरा मैनिफेस्टो क्या है, फिर बाकी लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो जब 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे तब देखेंगे। सर HIT का वोट आप ही पास जाएगा सर? अरे भाई मेरे को अभी ना एक्चुअली एक पोल करना पड़ेगा कि मैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ूं, ठीक है? जिस कॉलेज में जाता हूँ सब कॉलेज वाले बोलते हैं हमारा वोट जाएगा,
और फैक्ट ये है कि साला तुम्हारा किसी का वोटर आईडी कार्ड इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है नहीं तो ये पॉलिटिक्स का समीकरण मेरे को बनाना पड़ेगा बैठ के अगले साल। हेलो सर, इधर सर, इधर सर। मैं, मेरा नाम दिव्यांशु है और मैं पॉडकास्ट वगैरह बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था, लाइक उसमें अनुपम मित्तल और सारे शार्क्स थे, उन्होंने बोला था कि इस सीज़न एंटरप्रेन्योर्स की बेइज्जती नहीं होगी, और दूसरे ही पॉडकास्ट से उन्होंने बोला कि सीज़न वन के बेस्ट शार्क अश्विन ग्रोवर है। तो आप इस दोगलेपन को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, मतलब बहुत सिंपल है, मैं ये ऐसे आलतू फालतू पॉडकास्ट देखता नहीं हूँ। हेलो सर, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ, उनसे पूछो यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। हेलो सर, इधर सर, आपसे मतलब मेरे दिल का एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है कि आप जो यहाँ पे इंडिया पे जो कास्ट सिस्टम चलता है यहाँ पे कॉलेज में एंट्री लेने का, ऐसे यहाँ पे किस चीज पर जोर दिया जा रहा है, कि क्वालिटीज पर या आप बोलिए। देख, इन जनरल मेरा व्यू ये है कि सब कुछ मेरिटोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है? तो चाहे वो कास्ट सिस्टम हो गया या बैकवर्ड क्लास वाला सिस्टम हो गया, सारे का ना एक एक्सपायरी डेट होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ठीक है 75 साल हो गए इंडिपेंडेंट हुए, कि 75 साल तक, अब एक व्यू ये है कि नहीं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है हजारों सालों से, तो कितने साल इज गुड इनफ टू मेक अप फॉर इट। बट इन जनरल इन एनी डेवलप्ड इकोनॉमी मेरिटोक्रेसी विंस, राइट? नॉट सेइंग कि आप कौन से कास्ट से हो, कौन से रिलीजन से हो। सो इन जनरल आई एम ऑल फॉर मेरिटोक्रेसी, कि जिसके अच्छे नंबर आए हैं उसको एडमिशन मिले, ठीक है? एंड इवेंचुअली देयर हैज टू बी अ सनसेट क्लॉज टू ऑल दीज कोटास दैट वी हैव पुट इन प्लेस। हेलो सर, सर दिस साइड, राइट साइड सर, बरकतुल दिस साइड। सर आपका बुक आ गया है और आपको आजकल रील्स और शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स में कब देखेंगे सर आपको? क्या वो नेटफ्लिक्स वालों को बेटर पता होगा कब देखेंगे, बट हो सकता है जल्दी देख लो। गुड इवनिंग सर, सर एक बिजनेस आइडिया था, तो उस पर चल पाएगा कि नहीं बिजनेस वो बताइएगा। सर, क्रिएट अ मोनोपोली एंड डिस्ट्रॉय द मार्केट, तो अगर एक बिजनेस इस आइडिया पे चल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म पे चल पाएगा कि नहीं? नहीं, मतलब भाई ये इसमें बिजनेस कहाँ है? सर आइडिया है, आइडियोलॉजी है कि मतलब मोनोपोली मैं क्रिएट करूंगा और मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। भाई आइडिया पे कुछ नहीं मिलता, मतलब व्हाट एन आइडिया, सरजी वाली कंपनी भी बंद हो गई। तो आइडिया तो यहाँ पे हिंदुस्तान में ढेले भर के हैं हर रोज यार, 140 करोड़ लोग हैं, दिन में दो बारी भी सोच लेंगे ना, 280 करोड़ आइडिया दिन के बनते हैं। सर एयरटेल और वोडाफोन पहले चलता था बहुत ज्यादा उसका सिम, जियो आया मार्केट बर्बाद कर दिया। नहीं पर तू उससे तेरा क्या फायदा हो रहा है? मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर तू क्यों स्मार्ट बन रहा है? हेलो सर, दिस इज अमित, राइट साइड सर। जस्ट लाइक व्हेन Shark Tank was continuing, you become most celebrities, like you are entrepreneur and you become celebrities, and this is a is it right way to say that India is in the right path, that entrepreneurs become more and more celebrities and they are more famous, and as a youngsters they are encouraged to do entrepreneurship? Is it right way to say that we are in a right direction? नहीं यार, कोई सेलिब्रिटी बन गया उससे कंट्री राइट डायरेक्शन में उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग सेलिब्रिटी बने हैं, कभी वो क्रिकेटर्स सेलिब्रिटी बन जाते हैं, कभी शेफ सेलिब्रिटी बन गए, कभी पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी बन गए। तो बॉलीवुड तो हमेशा से ही, मतलब वो तो प्रोफेशनल सेलिब्रिटीज हैं सब। तो मेरे को नहीं लगता कि कौन सेलिब्रिटी बन रहा है defines whether the country is on the right path or the wrong path, ठीक है? हाँ, ये अच्छा लगता है कि यार कोई famous हो रहा है for the right reason, right? कि कोई किसी ने कुछ scratch से बनाया और उसको celebrate कर रहे हैं लोग, तो वो अच्छी बात है। But किसी के celebrity बनने से मेरे को नहीं लगता country का direction define होता है।
गुड इवनिंग सर, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत पे को 5500 करोड़ का लॉस हुआ है, अगर आप अभी भी भारत पे में होते तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती भारत पे को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए? देख, पहली बात तो ये जो 5500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है ना, वो जिसने लॉस किया उसको बुला के पीटो, ठीक है भाई? जब तक मैं था कभी ऐसे लॉस नहीं होते था, लॉस होता था बट तमीज वाला होता था। मैं आप तुमको फंडामेंटली बताता हूँ, भारत पे इज द ओनली कंपनी इन इंडिया फिनटेक और अदरवाइज जहां पे 200 मिलियन से कम खर्च के 3 बिलियन की कंपनी बनी थी, ठीक है? तो जब तक मैं था कुल मिला के मैंने 1500 करोड़ रुपए खर्चा था, और 1500 करोड़ रुपए खर्च के 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी थी, ठीक है? कोई और कंपनी 3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर की इतने कम पैसे खर्च के नहीं बनी, ठीक है? बाकी मेरे जाने के बाद तो उन्होंने रायता ही फैलाया, कौन सा हिडन फैक्ट है? एंड भैया आसान होता है किसी को बोलना कि भाई तुम करते ही क्या हो और तुमने क्या ही बनाया, जब लाला चला जाता है ना कंपनी से तो कंपनी की जान निकल जाती है, और ये सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो बनते हैं ना अपने आप को, इनकी भी तंखा ही चल रही है, कोई दर्द नहीं है इनके अंदर कंपनी को बनाने का। सो मेरी ज़्यादा होप्स नहीं है भारत पे से। आई थिंक ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वील मेक दैट अ लास्ट क्वेश्चन। अश्नीर, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। दिस इज मी अभिषेक फ्रॉम AIML सेकेंड ईयर। माई क्वेश्चन इज कि सर, आपने TVF पिक्चर्स में वेब सीरीज में नवीन को एक बात बोला था, जब तक है ग्रोवर तब तक इट्स नॉट ओवर, तो आप कैसे सबको हेल्प करना चाहते हैं ये लाइन बोल के? नहीं, मैं सबकी हेल्प नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी हेल्प कर रहा था यार। नहीं नहीं, तुम यार तुम टीवी सीरियल के डायलॉग्स को बड़े दिल पे ले लेते हो, वो तो अब उसमें इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। TVF पिक्चर्स में हुआ क्या कि मैं शार्क टैंक में नहीं था, तो अब Z5 वालों को और क्या नाम है इसका, ये TVF कौन किस पे आता था, डिज्नी हॉटस्टार पे, ठीक है, इनको बड़ा चुल चढ़ा कि अब सोनी पे अश्नीर नहीं है, तो अश्नीर की एब्सेंस को हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट इंट्रीग अबाउट आर सीरियल। तो TVF पिक्चर्स का फर्स्ट सीजन आया था 7 साल पहले, उसकी बहुत कल्ट फॉलोइंग थी, बट 7 साल में वो लोग कॉलेज करके नौकरी करके आगे निकल गए, तो उनको अपनी कल्ट फॉलोइंग फिर से क्रिएट करनी थी स्टार्टअप स्पेस में। तो दे अप्रोच्ड मी एंड सेड कि सर आप ऐड कर लो, तो आई ओनली वेंट फॉर द ऐड। अब मजे की बात क्या हुई कि वो ऐड आई और लोग मेरे को इतना मिस कर रहे थे कि वो उस ऐड के 1.5 करोड़ व्यूज थे ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब इंडिविजुअली 1.5 करोड़ व्यूज थे एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स। तो TVF वालों के लिए तो सही हो गया, 1.5 करोड़ व्यूज आ गए, तो TVF पिक्चर्स आ रहा है सबको हो गया। बट द प्रॉब्लम बिकेम पीपल वर एक्सपेक्टिंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ TVF पिक्चर्स, बिकॉज वो एड इस तरीके से बनाई गई कि लोगों को लगा कि मैं पार्ट हूं उसका। तो अनुरूप की फटली, ठीक है, एड आने के बाद, एंड पहली टाइम ऐसे हुआ होगा कि बंदे की सक्सेस से फट गई है कि एड बहुत सही चल गई, बट उसकी फट ली कि जब TVF पिक्चर्स एयर होएगा उसमें अश्नीर तो है नहीं, तो बड़े जूते पड़ेंगे। तो वो मेरे पीछे पड़ गया कि सर आप एक सीन कर लो, ठीक। एंड मेरा व्यू था यार कि क्यों डाल रहा है सीन, मतलब मेरा काम था ऐड करना, ऐड मैंने तेरे को अच्छी करके दे दी और सब कुछ हो चुका है, मतलब फिल्म रिकॉर्ड होके ऑलरेडी चैनल OTT प्लेटफॉर्म के पास पहुंच जा भी चुकी है, लास्ट मोमेंट पे उसने मेरा वो सीन ऐड किया है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग वॉज मैं एयरपोर्ट जा रहा था, ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस, वहां पे कैमरा लगा हुआ था, आधे घंटे में मैंने शूट किया उसको, एंड इट लिटरली वॉज अ सिंगल टेक कि भैया सिंगल टेक में जो निकल रहा है तू ले ले, एंड देन ही फिटेड इट इन टू द शो, बिकॉज उसको कहीं पे डर था कि लोग गाली ना देके अश्नीर का है। सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड मी बीइंग इन TVF पिक्चर्स। बाकी अच्छी टैगलाइन है यार, मेरे तो काम आ रही है। आई थिंक वी कॉल दैट इट। थैंक यू सो वेरी मच अश्नीर, इट वॉज अ एब्सोल्यूट प्लेजर स्पीकिंग टू यू।